प्रदेश भर में आज बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल, कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पंप। पेट्रोल पंप हड़ताल का दिख रहा असर, लोगों को हो रही काफी परेशानी, काफी लोगों को नई है हड़ताल की जानकारी। हड़ताल के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में खुले दिखे रिलायंस के पेट्रोल पंप। संचालकों ने कहा रिलायंस पर लागू नहीं होते नियम, इसलिए हड़ताल में नहीं शामिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा देश और प्रदेश का नाम हमेशा किया रोशन। 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। 15 से 19 नवम्बर तक होने वाला कपाल मोचन मेला होगा ऐतिहासिक। मेले में करीब 8 लाख श्रद्धालु की पहुंचने की उम्मीद, कोरोना को लेकर के किए गए विशेष इंतजाम। नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे आज नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल के। जो हां, हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर 24 घंटे की हड़ताल पर है। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ये हड़ताल कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। हड़ताल की तस्वीरें प्रदेश भर से सामने आ रही है। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 4 साल से कमीशन न बढ़ाए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर के ये हड़ताल की जा रही है। तो प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप का असर देखने को मिल रहा है। तो आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हरियाणा में सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, तो तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल जारी है। गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पेट्रोल पंप बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोनीपत की तस्वीर भी देख सकते हैं, किस तरीके से पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। रोहतक की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहीं भिवानी की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हिसार की तस्वीर आप देख सकते हैं, यमुनानगर की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कि किस तरीके का असर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल लगातार जारी है। हरियाणा में सुबह 6 बजे से ही प्रदेश के सभी कंपनियों के पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी है। वहीं आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में सभी पेट्रोल पंप 24 घंटे के लिए बंद किए गए हैं, क्योंकि हड़ताल चल रही है। द्वारा हड़ताल कर दी गई है, सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद हैं, जो कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। क्या मुद्दे हैं ये जानते हैं यमुनानगर में डीलर एसोसिएशन के एक पदाधिकारी हैं जी। आपका नाम? मैं रणदेव किया है जी। ये क्या कारण है, क्या हड़ताल है और कब तक चलेगी ये? सवेरे 6 बजे से कल 6 बजे तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्कार तक बात पहुँचाने का, और सब भाइयों का सहयोग, कस्टमर का, भाई डीलरों का, सबका बहुत बहुत सहयोग, एकजुटता दिखाने का, पब्लिक का बहुत धन्यवाद, हमारे ग्राहकों का जो हमारे को हमारे और आपसे प्रार्थना है कि हमारी बात सरकार तक बचाई जाए, ताकि हमारा फैमिली भी उसको हल निकले अतिशय, ताकि जनता भी परेशान ना हो और हमारे को भी राहत मिले। इस तरह की मांगे मांगे कमीशन है 2017 एक कॉर्पोरेशन है, वैट की है, जो अभी एक्साइज ड्यूटी है एक्साइज, तो स्त्री बहुत से हैं जो कि जिन पर विचार करके हल निकालने की बहुत अतिशीघ्र आवश्यक है। तो ये अपनी मांगे बता रहे थे कि सरकार से, केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से क्या क्या मांगे हैं, इन मांगों को हम भी कोशिश करते हैं सरकार तक पहुंचाने की, पूरा करने की।
तो हरियाणा में सुबह 6 बजे से ही प्रदेश के सभी कंपनियों के पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी है। वहीं लगातार इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार आपको बताते चलें, जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हैं और लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मोहित कुमार गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे, जिस तरीके से पेट्रोल पंप डीलर 24 घंटे की हड़ताल पर है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके की तस्वीरें हिसार से देखने को मिल रही हैं? देखिए सृष्टि, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में आज की हड़ताल का पूरा असर दिखाई दे रहा है। लोग सुबह से पेट्रोल पंपों पर जा रहे हैं लेकिन उन्हें तेल बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया था कि 24 घंटे के लिए हड़ताल रहेगी। तो आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल रहेगी और पूरा असर हिसार में देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से लोग पेट्रोल पंपों पर जाकर के थोड़ा थोड़ा तेल देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक जो है उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य 4 मांगों को लेकर के जो आज हड़ताल की जा रही है उसको पूरी तरह से वो कामयाब करना चाहते हैं, इसलिए पूरा असर हिसार में आज की हड़ताल का देखने को मिल रहा है। सृष्टि, बिल्कुल अनुप, तो लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और पेट्रोल पंप की जिस तरीके से हड़ताल है 24 घंटे की, तो लगातार इसका असर देखने को मिल रहा है। अनुप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और रुक कर लेते हैं मोहित का, हमारे सहयोगी मोहित गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, गुरुग्राम में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही, किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है इस हड़ताल का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं आज के हालातों को। गुरुग्राम जिले में जिस तरीके के हालात हैं वो मेरे पीछे ये दुपहिया वाहन सवारों को देखकर देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि घरों से ये पेट्रोल डलवा के निकले हैं और पेट्रोल इनको नहीं मिल रहा, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि पेट्रोल अगर गाड़ियों में नहीं होगा तो किस तरीके से अपने घर तक पहुंचेंगे या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? सर, नाम बताइए अपना। मोहम्मद असलम। मोहम्मद जी, इधर एक बताइए जरा कि कितनी परेशानी हो रही है हड़ताल का? भाई, मैं तो 2 किलोमीटर दूर से खींच के ला रहा हूँ स्कूटी, हमें तो पता ही नहीं था कि बंद है कि क्या है आज। अच्छा अच्छा जी, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर, कितनी परेशानी हो रही है? सर, बहुत परेशानी हो रही है कि जो हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पेट्रोल पंप आज बंद रहेगा, हड़ताल रहेगा। अब हमने तेल भी नहीं डलवाया, अब काम पे जाना है, काम पे कैसे जाऊँ, गाड़ी में तेल है नहीं बिल्कुल भी। मैं तो बहुत परेशान हूँ। पेट्रोल पंप संचालक जो है वो कह रहे हैं कि हमको घाटा हो रहा है, कि जिस तरीके सरकार ने पैसा घटाया है पेट्रोल और डीजल पर, तो आप क्या क्या मानते हैं, सरकार को आम आदमी की सुननी चाहिए या फिर पेट्रोल पंप संचालकों की? सरकार को तो आम आदमी की सुननी चाहिए, पर सरकार के पास सरप्राइज इतने ज्यादा है कि क्या करे, हर आदमी परेशान रहता है, कब सरप्राइज क्या करते सरकार को समझ ही नहीं आता है। सरकार को भी कुछ सोच समझ के काम करना चाहिए कि जनता की भी सोचे और पेट्रोल पंप वालों की भी सोचे, सबकी सोचे, लेकिन सरकार के पास हमेशा सरप्राइज ही रहता है, कब क्या करते कुछ पता ही नहीं होता है। हम तो बहुत परेशान है। जी, आप भी बताएं, आप कहाँ से आए? गुड़गांव से आए। तो कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी, हड़ताल के कारण बहुत परेशानी, काम पर जाने वाले हम जी। तो ये लोग हैं जिनकी साफ तौर जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि अपने घरों से पेट्रोल डलवाने के लिए लोग निकल रहे हैं मगर हड़ताल के कारण नहीं मिल रहा। मैं आपको तस्वीरें पेट्रोल पंप की भी दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, कि आप देखकर अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जो एक ये जो पूरा बंद जो पेट्रोल पंप है यहाँ से ये कर दिया गया है, इन चीजों को लगा दिया गया है रस्सियों को, जिससे कि कोई गाड़ी अंदर ना जा सके और जो लोग हैं वो यहीं से ही लौट कर जो है वापस जाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये 6 बजे तक के लिए बंद है, लोगों को ये भी नहीं पता कि कब तक ये 6 बजे तक के लिए बंद है। सर, बहुत प्रॉब्लम है, हम दुकानदार आदमी है, सुबह घर से निकले हैं तेल डलवाएंगे, तेल गायब है, महंगा है, रेंज से बाहर है, दुकानदारी बहुत खतरे में है, हम खतरे में, आप खतरे में, समाज देश खतरे में है। पेट्रोल तो लोग हैं जो कह रहे हैं कि देश खतरे में है, समाज खतरे में है, शहर खतरे में है। सीधे तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि इस हड़ताल के बाद जो है हाहाकार का माहौल जो है गुरुग्राम में बन गया है, क्योंकि तकरीबन 40% लोगों को नहीं मालूम था कि जो हड़ताल आज सुबह होने वाली है, जिसके चलते लोग अपने घरों से निकले हैं और पेट्रोल डलवाने के लिए जब पहुंच रहे हैं तो पेट्रोल उनकी जो पेट्रोल पंप है वहां पर उनकी वाहनों में नहीं डाला जा रहा है, जिससे की खासी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी ने दिखाई कि इस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बंद का असर, इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। मोहित, आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार कौन कौन सी मांगे सामने रखी गई हैं पेट्रोल पंप डीलरों के तरफ से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुख्य
जो उनको कमीशन पेट्रोल की बिक्री पर दिया जाता है, यानी कि एक लीटर पेट्रोल पर 2.85 रुपए के जो कमीशन दिया जाता है उसको 2.85 रुपए ना करके प्रतिशत में दिया जाए। यानी कि पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर है और 2% का कमीशन देते हैं तो 2 रुपए, अगर 200 है तो 4 रुपए उनको मिले और 50 रुपए है तो 50 पैसे मिले। प्रतिशत में मांग कर रहे हैं लगातार पेट्रोल संचालक। और दूसरी उनकी मांग है बायोडीजल की, यानी कि जिस तरीके के जो वाहन है ट्रक है, ऐसे में पेट्रोल पंप संचालक जो है ट्रकों के माध्यम से बायोडीजल पेट्रोल को मंगा लेते हैं और अपने पेट्रोल पर सस्ते दामों पर डीजल को बेचते हैं, जिसकी वजह से हाईवे के ऊपर जो लगातार पेट्रोल पंप बने हुए हैं उनको चलाने वाले जो संचालक उनको काफी घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के जो लगे बंदे ट्रक है, यानी जिस कंपनी के अंदर, जैसे कि DMRC के गुरुग्राम में ट्रक चलते हैं, तकरीबन 4800 ट्रक है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ट्रक है इस तरीके के, वो जो ट्रक है उन ट्रक संचालक जो होते हैं अपने ट्रकों को सस्ते बायोडीजल की ओर रुख कर देते हैं, जिससे कि बड़ा खामियाजा हाईवे से लगते जो पेट्रोल पंप है उनके संचालकों को उठाना पड़ता है। और ये जो बायोडीजल है तकरीबन 25 से 30 रुपए सस्ता जो है पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा बताया जा रहा है कि इसकी कीमत कम होने की वजह से मुनाफा तो बहुत ज्यादा होता ही है और साथ साथ जो लोग ईमानदारी से पेट्रोल पंप चला रहे हैं उनको उतना ही ज्यादा घाटा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल मोहित, जिस तरीके से लगातार परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और ये भी तस्वीरें सामने आई थी कि कल ही जैसे लोगों को पता चला कि 24 घंटे की हड़ताल है तो कल शाम से ही लोग पेट्रोल पंप पहुंचने लग गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए और कुछ लोगों को नहीं पता था, इससे अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहित, अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे चल करके क्या कुछ रुख हो सकता है, और अगर ये जो हड़ताल है इसका समय बढ़ा दिया गया तो आने वाले समय में और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि 24 घंटे में ही ये स्थिति सामने आ रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पेट्रोल पंप संचालकों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक सांकेतिक हड़ताल है सिर्फ 6 बजे तक, ये एक संदेश दिया जा रहा है कि 6 घंटों में 12 घंटों में कितनी दिक्कतें आती हैं, मगर सरकार अगर नहीं मानती है तो इस चीज को लेकर भी जो है कड़े फैसला या फिर कड़ा रुख अपनाने के लिए जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है वो जरूर उठाएगी और ऐसे में क्या कुछ सामने आता है वो आने वाला समय बताएगा। मगर अगर ये हड़ताल को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि हड़ताल जहां आज 12 घंटे की या फिर 24 घंटे की मानी जा रही है, अगर इसको एक हफ्ते की कर दिया जाए या फिर 10 दिन ये चल जाए तो कहीं ना कहीं जो हाहाकार है वो गुरुग्राम के साथ साथ पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गुरुग्राम है वो हरियाणा की जो है रेवेन्यू सिटी है, जहां पर सबसे ज्यादा जो हरियाणा की इनकम गुरुग्राम से होती है, और अगर गाड़ियों में वाहनों में पेट्रोल नहीं होगा डीजल नहीं होगा तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, किस तरीके से जो व्यापार होगा, हर चीज बंद हो जाएगी, जिसके कारण एक बड़ा खामियाजा एक जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है गुरुग्राम की या फिर हरियाणा की हम कह सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है इसका नुकसान पहुंचेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने मोहित, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। और बात कर रहे हैं आज नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल की, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे, जो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे कि किस क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल करके आ रही, 24 घंटे की हड़ताल पर है पेट्रोल पंप डीलर्स। और हमारे सहयोगी राजीव रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके की रोहतक से तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इस हड़ताल का? से हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 24 घंटे की हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था और आज जो है इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक के तमाम पेट्रोल पंप जो है वो बंद है, प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया है। और ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों की मुख्य जो मांगे हैं वो है कि एक तो इनका कमीशन बढ़ाया जाए, दूसरा जो है मिलावट जो पेट्रोल में आ रही है डीजल में आ रही है उसको खत्म किया जाए ताकि ग्राहकों को जो है शुद्ध तेल मिल सके। वहीं इन सब मुख्य मांगों को लेकर के आज पूरे प्रदेश में तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ पेट्रोल पंप के संचालक कुछ हैं, मेरे साथ उनसे भी हम बात कर रहे थे कि ये मुख्य मांगे क्या है आपकी बताएं। मांगे ये है कि पब्लिक परेशान है, तो दूसरी बात हमारे जो मांग है उनकी पूरी करने से सर, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें भी आ रही होंगी, सबको यार परेशान तो बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप संचालकों का और आम आदमियों का कहना है कि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल राजू, सही कहा आपने, तो कहीं ना कहीं असर इसका देखने को मिल रहा है, 24 घंटे के हड़ताल पर हैं पेट्रोल पंप डीलर। मोहित, आपके पास आना चाहूंगे, आखिरकार किस किन वाहनों को पेट्रोल दिया जा रहा है आज इस हड़ताल पर?
मैं आवाज क्लियर थोड़ी नहीं है, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। अहमद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से 24 घंटे की हड़ताल पर है पेट्रोल पंप डीलर, लेकिन कुछ वाहनों को पेट्रोल देने की इजाजत दी गई थी, आखिरकार कौन कौन से वाहन उनमें शामिल है? जी बताना चाहूंगा, ये जो वाहन है, मैं बता दूं, सरकारी जो पीसीआर है एक, वो पेट्रोल डलवा सकती है, और जो एम्बुलेंस है वो जरूर डलवा सकती है। इमरजेंसी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एम्बुलेंस है उसको अलाउ किया गया है, हॉस्पिटल से संबंधित जो गाड़ियां हैं उनको अलाउड किया गया है, क्योंकि इस हड़ताल के अंदर अगर कोई एम्बुलेंस किसी पेट्रोल पंप पे जाती है तो उसको जरूर पेट्रोल दिया जाएगा। और पेट्रोल पंप संचालकों का ये भी कहना है कि अगर कोई इमरजेंसी के अंदर किसी को आवश्यकता पड़ती है और वो इमरजेंसी में है तो हम उसको पेट्रोल देने के लिए तैयार है, मगर अभी तक जो तस्वीरें सीधे तौर पर सामने आ रही है वो सिर्फ एम्बुलेंस को ही पेट्रोल जो अभी तक दिया गया है, और ऐसी कोई खास तस्वीर सामने नहीं आई कि किसी को ज्यादा इमरजेंसी पड़ी हो और पेट्रोल पंप को खोलकर उसको पेट्रोल दिया गया हो। सरकारी वाहनों को पेट्रोल देने की बात जरूर पेट्रोल पंप संचालक कर रहे हैं, मगर अभी तक जो है फिलहाल एम्बुलेंस को ही अलाउड किया गया है। जी मोहित, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पेट्रोल पंप संचालकों से आपकी बात हो पाई है, क्या कुछ उनका इस हड़ताल को लेकर कहना था? अब पेट्रोल पंप संचालकों से अगर हमने जो बात की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आज हमने शाम 6 बजे तक का समय तय किया है, और जो पूरे देश के अंदर जो 2 पेट्रोल पंप एसोसिएशन चल रही हैं उसमें से एक जो दिल्ली से एक्सेस होती है उसने 24 घंटे के लिए हड़ताल को रखा है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 बजे तक के लिए। मगर ऐसे में इन सभी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो हमारी मुख्य 2 से 3 मांगे हैं, इन मांगों को सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वैट पर जो है कटौती, वैट को घटा दिया जाता है तो उसका नुकसान जो है हमें भी उठाना पड़ता है, और इस तरीके से जो नियमों को, कानूनों को इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से प्रणाली जो पूरी बनाई जाए कि जो नुकसान ना तो आम आदमी को हो ना ही संचालकों को हो, प्रतिशत में कमीशन दिया जाए, और बायोडीजल जैसे जो गलत काम लगातार हो रहे हैं ऐसे में इन पर भी नकेल कसी जानी चाहिए, जिससे कि एक ही पेट्रोल जो है पूरे प्रदेश में बेचा जा सके और एक ही मुनाफा जो है सभी संचालकों का हो सके। ऐसा ना हो कि कोई गलत काम करे वो ज्यादा मुनाफा कमाए और ईमानदारी से काम करने वाले संचालक उनको नुकसान उठाना पड़े। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस हड़ताल का पूरा असर देखने को मिल रहा है, और हर जगह की तस्वीरें बिल्कुल सेम ही देखने को मिल रही हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, और लगातार पेट्रोल पंप संचालकों से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि थोड़ा सा पेट्रोल उन्हें दिया जाए, लेकिन 24 घंटे की हड़ताल है, और हरियाणा में सुबह 6 बजे से ही हड़ताल शुरू हो गई है, कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। राजू, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं रोहतक की, तो रोहतक में किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस हड़ताल के बाद? राजू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो प्रदेश भर में हड़ताल का असर दिख रहा है। कल 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आपको बताते चले, हरियाणा में सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी कंपनियों के पेट्रोल पंप डीलर हड़ताल पर हैं, और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी मोहित कुमार गुरुग्राम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, नहीं लगता है कि इन मांगों को जल्द से जल्द मांगना चाहिए या फिर कोई समाधान निकालना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगा, इन मांगों के बीच में सरकार जो है फंसकर खड़ी हो गई है, क्योंकि सरकार का भी ये मानना है कि अगर हम आम आदमी को फायदा उठाते हैं तो संचालकों को परेशानी होती है, और संचालकों को फायदा उठाते हैं तो जो लोग हैं आम आदमी उसको होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार इस पूरे मामले में असमंजस की स्थिति में फंस चुकी है, और कहीं ना कहीं जो सरकार जो है, जो नेतागण हमारे सरकार के हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से इस बात को लेकर जरूर मीटिंग करने वाले हैं। शायद 3 बजे तक ये मीटिंग जरूर होगी, इसके अंदर ये अंदाजा और ये पूरा तय किया जाएगा
कि किस तरीके से जो है एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए कि ना तो नुकसान संचालकों का हो, पेट्रोल पंप संचालकों का, ना ही आम आदमी का। क्योंकि एक तरफ सरकार का झुकना कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है आम आदमी जो है उन्हीं का नुकसान होगा। अगर सरकार पूर्णतः संचालकों का बहिष्कार कर देती है, उनके बातों को नहीं मानती है, तो फिर ये हड़ताल आगे बढ़ जाएगी जिससे कि आम आदमी को नुकसान होगा। और अगर संचालकों की बात को मान लेती है तो आम आदमी का नुकसान फिर बढ़ती कीमतों के साथ होगा। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार भी इस बार जो है आम आदमी और संचालक पेट्रोल पंप के जो है इनकी जो आपसी जो ये लड़ाई है, हालांकि लड़ाई सरकार के साथ है संचालकों की, मगर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो घुमा फिराकर ये ट्रायंगल की स्थिति बन चुकी है जहां सरकार, आम आदमी और पेट्रोल पंप संचालक तीनों ही आमने सामने आ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से मोहित। तो हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं यमुनानगर का, हमारे सहयोगी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ गए यमुनानगर से। सुरेंद्र, 24 घंटे की हड़ताल पर है पेट्रोल पंप डीलर्स और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यमुनानगर की हम बात करें तो यमुनानगर में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, यमुनानगर के लोग काफी परेशान हैं। सुबह सवेरे जब हमने पेट्रोल पंपों का दौरा किया उस समय भी काफी संख्या में लोग ऐसे थे जो पेट्रोल पंपों पर आ रहे थे, लेकिन वहां पेट्रोल नहीं है या हड़ताल लिखी हुई के वजह से वो वापस लौट रहे थे। काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको हड़ताल के बारे में पता नहीं था, बहुत बड़ी संख्या है जिनको हड़ताल के बारे में नहीं था। चाहिए तो ये था पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा लोगों को बताया जाता, जागरूक किया जाता, लेकिन अचानक 24 घंटे की हड़ताल आ गई और लोगों को समझने का मौका नहीं मिला। और लगता है सुरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम आपके पास फिर से आने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बताते चलें, 6 बजे तक, कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी और आज सुबह 6 बजे हड़ताल शुरू हुई है। 24 घंटे की हड़ताल पर है पेट्रोल पंप डीलर्स। हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर 24 घंटे की हड़ताल पर है। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है और लगातार अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल की जा रही है। और मोहित आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से इस हड़ताल में देखा जा रहा है कि रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है वो खुले हुए हैं और कहा जा रहा है रिलायंस के पेट्रोल पंप के संचालकों की तरफ से कि जो मांगे हैं वो उनके उसमें लागू नहीं होती है, इस वजह से उनके जो पेट्रोल पंप है वो खुले हुए हैं। जी, रिलायंस की तरफ से जो बयान आया है, रिलायंस के जो पेट्रोल पंप संचालक कुछ हैं, हालांकि उन्होंने जो धीरे धीरे बताया कि वे एक निजी कंपनी से जुड़े हैं और वह अपनी सिंपति जरूर देते हैं इस हड़ताल को लेकर के, मगर इस हड़ताल के अंदर वह खुद अपने पेट्रोल पंप को बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसे में गुरुग्राम के धनकोट की बात करें, फरुखनगर की बात करें, पटौदी की बात करें, ऐसे तमाम रास्तों पर जो है रिलायंस के अनेकों पेट्रोल पंप है। और बता दूं कि गुरुग्राम के अंदर जो शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप जो रिलायंस के थे उनको आज तक शुरू ही नहीं किया गया, मगर ग्रामीण इलाकों में जो चल रहे थे वो आज भी ओपन है जहां पर लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो जिस जगह मैं खड़ा हूं, गुरुग्राम के कमिश्नर और पुलिस कार्यालय के बाहर में खड़ा हूं जहां पर लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं, क्योंकि गुरुग्राम का इकलौता एक ऐसा पेट्रोल पंप है जहां पर सबसे स्वच्छ पेट्रोल की जो है बात कही जाती है। और यहां पर इस पेट्रोल पंप को जो इस बात को लेकर लगातार शाबाशी मिलती रही है कि सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम पेट्रोल पंप करता है और ऐसे में लोगों का विश्वास भी इस पेट्रोल पंप से जुड़ा है जिसके चलते लोग यहां पहुंचते हैं। अब अचानक जैसे हड़ताल हुई है, इस हड़ताल के बाद अब इन लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि हड़ताल हो गई है और पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो इस छवि के चलते जो है, इस अच्छी छवि के चलते लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद भीड़ जो है इकट्ठा होने लगी है। मेरे पीछे आप लोग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं और किस काम से आए हैं, उससे हम जानकारी लेते हैं। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम है रिभव आर्य है और मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ। कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट होगा खड़े हुए, मुझे नहीं पता था कि ये पेट्रोल पंप आज बंद रहेगा। मेरे जो गाड़ी में टंकी में पेट्रोल इतना है कि मैं घर तक पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता, मुझे नहीं पता इस चीज का। बाकी यही है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार को पहले इस चीज को समझौता कर लेना ताकि नागरिकों को इस तरह की व्यवधान का सामना नहीं करना पड़े। इससे हम यहाँ के जो ऑफिस जा रहे हैं, जो बच्चे छोड़ने जा रहे हैं, जो मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, वो सबको मतलब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर लाइन लेकर खड़े हैं, पेट्रोल नहीं और पता नहीं घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे पैदल लेकर मेरा स्कूटर लेकर जाना पड़ेगा। महंगाई बढ़े चाहे घटे, मगर पिस्ता आम आदमी ही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। कुछ भी हो, चाहे पेट्रोल की कीमतों को घटाएं तो संचालक गुस्सा हो जाते हैं, हड़ताल कर बैठते हैं, बढ़ा दिया जाता है तो आम आदमी पिस्ता है। और नुकसान कौन उठाते हैं? ये वो लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं और सुबह जब अपनी कंपनी के लिए निकलते हैं तो पेट्रोल पंप बंद मिलते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इनका दर्द बयां करती है, इन लोगों का जो कि परेशान है इस उम्मीद में है कि शायद आज पेट्रोल पंप कुछ देर के लिए खोल दिए जाएंगे और ये पेट्रोल डलवाकर अपनी नौकरी तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि कंपनियों के जो मालिक है वो इस बात मानने को तैयार नहीं कि तुम्हारे वाहन में पेट्रोल नहीं था, अगर समय से नहीं पहुंचे तो नौकरी जा सकती है। सर नाम बताइए अपना। सुरेश। सुरेश जी ये बताइए कहां से आप आए हैं?
पूछना था कितनी परेशानी हो रही है। हमें सोना पहुंचना था, बाइक में तेल बिल्कुल नहीं है, यहाँ आए तो देखा अचानक है जो स्ट्राइक कर रखी है, किसी भी कीमत पे कहीं भी तेल नहीं मिला है। अब हमें तो चिंता ये है कि हम सोना पहुंचेंगे कैसे। जी तो सुना आपने कि किस तरीके से ये जो लोग हैं परेशान हैं, आप कुछ कंपनी जो ड्यूटी करते हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर नाम बताइए। सर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ नाम बताइए अपना। रोहित। रोहित जी कहाँ काम करते हैं आप, कहाँ जाने वाले? मैं तो ओला उबर चलाता हूँ, सवारी ला रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा, रास्ते में 1.5 किलोमीटर पे खींच के लाया। पैसा देगी अधूरी राइड का? पैसा कहाँ देगी, पैसा थोड़ी देगी। अच्छा पैसा देगा ना, वो तो अब उठा के लाया, वही खत्म। तो कुछ निजी कंपनियों से, ओला उबर जैसी कंपनियों से जुड़े लोग हैं, कुछ कंपनियों में एमएनसीज में जाने वाले लोग हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास जाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं जो हर जो कैटेगरी है, समाज जिसे कहा जाता है, उस समाज के हर कैटेगरी के लोग यहाँ मौजूद हैं और पूरा का पूरा समाज आज परेशान है सिर्फ इस हड़ताल से। जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया था कि अगर ये हड़ताल बढ़ती है तो कैसे कामयाजी उठाने पड़ेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम 6 बजे या फिर सुबह 6 बजे तक इस हड़ताल के कारण अगर लोग इतना परेशान है और अगर ये हड़ताल बढ़ा दी जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हाहाकार, लोगों को बड़ी परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल मोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लगातार आप देख रहे थे किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में सुबह 6 बजे से प्रदेश के सभी कंपनियों के पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी है और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कब तक इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आम लोगों को। और पेट्रोल पंप संचालकों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो दाम पेट्रोल के घटाए गए हैं, पेट्रोल डीजल के, उन्हें बढ़ाया जाए, लेकिन अगर दामों को बढ़ा दिया जाएगा तो आम जनता को परेशानी होगी। कई लोगों को तो इसकी जानकारी भी नहीं थी कि 24 घंटे की हड़ताल है, जिससे अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। पेट्रोल पंप संचालक का बयान सामने आया है कि रिलायंस पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो हम लगातार आपको बता रहे कि किस तरीके से पेट्रोल पंप के जो डीलर्स है वो हड़ताल पर है और बात कर रहे थे आज नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल की। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।